हल्ला बोल मुलायम बोल रहे मतलब गुंडा राज चालू गया बन जगह शासन भाजपा के लोग गुंडागर्दी इतना कर दिए हैं खेतों में सार चल रहे हैं गुंडे गुंडे मोहल्ले लोगों को परेशान कर रहे हैं और 8 बरिस में महंगाई 2 गुना से भी अधिक 2% से भी अधिक और मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं राजकुमार चौहान चिरेगांव क्षेत्र तोफापुर गांव के हैं क्षेत्र ठाकुर वाले हैं क्षेत्र पंचायत बीडीसी हैं। अच्छा। मैं बहन जी का बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन हूँ इसलिए कि हमारे जितने समाज में बहन जी चौहान समाज में काम की हैं उतना कहीं काम की नहीं है। चौहान समाज है, थोड़ा मैं समझाऊं कौन सा समाज है। चौहान मैं जात के नोनिया हूँ। अच्छा ठीक उसको चौहान बोलते हैं। अच्छा चलिए तो आप ये बताइए क्या लग रहा है आपकी बार क्या समीकरण रहेंगे हमारी ये क्षेत्र है। मैं जानता हूँ हमारे रघुनाथ चौधरी साहब जो कि अजगरा विधानसभा से लड़ रहे हैं। ठीक यहाँ पे जो कि हमारे भाई लड़ रहे हैं मौर्या जी। मैं चाहता हूँ कि हमारे सरकार जो आए मैं इन लोग का अभिनंदन करता हूँ। अखिलेश यादव के साथ क्या दिखा? मैं नहीं अखिलेश यादव तो ऐसे ही बलता लेके चल रहे हैं रोड पर। यादव तो खुद ही बलता लेके फैला रहे चल रहे हैं पूरे बलता लेके चल रहे हैं सड़क पर। जब सरकार हो जाएगी तो क्या स्थिति होगी बताओ। अभी से ही शुरुआत कर दिया अभी अभी चालू कर दिया है। कहाँ दिखा अभी दिखाइए आप चलिए हमारे साथ हम दिखाएं। अच्छा मतलब शुरुआत कर दी उन्होंने स्वागत हल्ला बोल मुलायम बोल रहे अच्छा मतलब गुंडा राज चालू गया बहन जी के शासन में ऐसा नहीं हुआ। बहन जी क्या सिखाती है बहन जी के शासन में ऐसा नहीं हुआ है। बहन जी तो नाली को तो ऐसे लाठी से मार के फेंक दी है मौके पर जा करके वीडियो को पंचायत को सबको सस्पेंड की है। इनके सरकार में क्या हुआ या मोदी की सरकार में क्या हुआ या अखिलेश की सरकार में क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जो गुंडे कर रहा पार्टी छोड़ दो। नहीं ये गलत है ये भ्रमी है वो तो ढोंगी बना रहे हैं हम लोग को। अरे तो बहन जी के अंदर सच्चाई है। राजा भैया से पंगा बहन कुमारी माया बती कोई नहीं लेने वाला ही है। राजा भैया को बार के माया बती ने फेंका 900 एकड़ की उनका तालाब था उनको उखाड़ के फेंका बहन कुमारी मायावती ने। अखिलेश की सरकार उनको जेल मंत्री बना दिया। लेकिन राजा भैया कह रहे गुंडा में कुंडी लगाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। गुंडा में कुंडी बहन जी लगा दी थी बहन जी लगा दी आपकी सरकार आएगी ये तो कुंडी लगाने का अखिलेश जी बात की है ना। अगर अखिलेश अगर मायावती की बात सरकार आई बहन जी की सरकार आई तो उनसे फिर जिस तरह के पहले निपटेंगे उस तरह से फिर निपटने के काम करेगी बहन जी की सरकार। ये तो अखिलेश यादव ने कहा वो अपने हिसाब से कुंडा कुंडी बंद करे ये बहन जी की बात नहीं है कि किसी को गुंडा इसे गुंडा बोलते कानूनी तौर पर उनका जो है कार्यक्रम होगा। अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं क्या उनका कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पर्याप्त जो है ओबीसी वोट तो हमारे साथ है ही है पर्याप्त जो एससी वोट है वो भी हमारे साथ है। कहने को तो सब है सबको कहने से कुछ नहीं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है मायावती के साथ सभी जात के लोग निचले उचले क्रम के लोग जो गरीब वर्ग के लोग हैं सब लोग मिल के बहन जी को जिताने का काम इस बार करेंगे क्योंकि सब लोग दबे हैं इन लोग सरकार से। भाजपा के लोग गुंडागर्दी इतना कर दिए हैं खेतों में सार चल रहे हैं गुंडे गुंडे मोहल्ले लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज जो बहन जी यहाँ भाषण दे के जाएंगी और जो आश्वासन दे के जाएंगे क्या लगता है वो अपने बहन जी उतरेंगी बहन जी के सरकार में बहन जी काम करते हैं आश्वासन नहीं देते हैं बहन जी काम करते हैं आश्वासन नहीं देते हैं। आप लोग हमारी पार्टी को हमारा नाम विवेक मोदी है हम गाजीपुर से जी। आप लोग मीडिया वाले हैं हम लोगों को ध्रुवीकरण मीडिया कर रही है न टीवी पर न पेपर में मीडिया नहीं दिखा रही है। अगर हम लोगों को मीडिया दिखाती तो हम लोग किसी से पीछे नहीं रहते। भैया हमका धूम में फिर ऐसे ही करा रहे हैं। हाँ मीडिया बिकाऊ है सर आप बात मान लीजिए।
सुन लीजिए सर, एक मिनट हमारा बात सुन लीजिए। पूरी यूपी में अगर बहन जी इतना बड़ा अगर रैली कोई कर देगा, मुलायम सिंह या अखिलेश या मोदी या योगी, तो हम जो कहेंगे वो हार जाएंगे। हाँ मोदी जी, कल सुनिए, हम गाजीपुर से आए हैं, कल मोदी जी का रैली था गाजीपुर में आईटीआई कॉलेज में। सुन लीजिए, ये मेन मेन न्यूज बनाना, 20,000 लोग खाली थे, 20,000 ऐसा है। और आप देख लीजिए बहन जी का, क्या दोनों रैलियों में जा रहे हैं बीजेपी की? हमारा गाजीपुर घर है, हम देखेंगे नहीं क्या हो रहा है। तो गाजीपुर का क्या समीकरण है आपके बारे में बताओ, गाजीपुर के सुन लीजिए, गाजीपुर का समीकरण सुन लीजिए। गाजीपुर में 7 सीट है, एक जगह परवेज खान है जमानिया से, जहूराबाद से सद्दा फातिमा है, जखिनिया से विजय कुमार है, जंगीपुर से मुकेश सिंह है, गाजीपुर से एक राजकुमार गौतम है, और सैदपुर से विनोद है। हम 5 सीट पर नंबर 1 पर इस समय चल रहे हैं। जमानिया का समीकरण आपको बता रहे हैं, 1,00,000 मुसलमान है और 70,000 चमार है, और जो परवेज खान है उसिया सेवराई का वो विधायक, मुसलमान तो वोट नहीं दे रहा। ओ जिस गांव से वो है 32,000 है, पूरी पूर्वांचल में सबसे बड़ा गांव उसिया सेवराई वोट के मामले में 32,000 वोट है, वहां का वो प्रधान है, वो 20,000 तो वहीं से लेके चलेंगे जहां से ओम प्रकाश सिंह का घर है, वहीं से एक नंबर एक पर 20,000 न रह जाए फिर मुसलमान। अरे हम बता तो रहे हैं कि हम लोग अगली बारी 750 वोट से भाजपा लहर में हारे थे। अरे मोदी जी, एक मोदी जी भी झूठ बोल, सब झूठा है, आप सर्वे उठाकर देख लीजिए, हम लोग 750 वोट से अतुल राय हारे थे सुनीता सिंह से, और इस समय भाजपा लहर नहीं है, हम लोग वहाँ चुनाव नंबर 1 पर हैं, सद्दा फातिमा को ब्राह्मण और छत्री वोट दे रहे हैं। पांचवी बार सर जी मुख्यमंत्री, इस बार हम लोग गाजीपुर से 5 सीट कन्फर्म जीतेंगे। गाजीपुर मोदी जी, बताओ आप जी, क्या योगी जी में क्या खराबी है? अरे सर, योगी जी में वो खराबी है कि खाली बस बात करते हैं, काम नहीं करते हैं। अगर एक भी काम दिखा दीजिए योगी जी, गैस सिलेंडर सुन लीजिए, गैस सिलेंडर, पेट्रोल पंप और डीजल की क्या बात सर, इतनी महंगाई 8 बरिस से जो मजदूरी थी 350 है, और 8 बरिस में महंगाई दोगुना से भी अधिक, 2% से भी अधिक, और मोदी जी काम कर रहे हैं, हम लोग गरीब हैं। और अखिलेश यादव तो बहुत दावा कर रहे हैं बिजली फ्री देने का। अरे अखिलेश, जो अपनी बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा।